लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है। अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस इस समय भाजपा से काफी पीछे हो गई है। बीजेपी ने जहां एक ओर प्रदेश की सभी 5 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अभी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन जारी है। हालांकि कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और नैनीताल और हरिद्वार से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो गई है और दिल्ली में बैठक के बाद उनके नाम पर औपचारिक मोहर लग जाएगी। खाली एक औपचारिक बैठक होनी है, उस बैठक के बाद आप देखिएगा कल शाम तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगा। क्या लगता है कौन उम्मीदवार कैसे? देखिए, जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक कुछ बोल पाना उसमें तो बड़ा कठिन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उम्मीदवारों का चयन हो गया है और अंतिम सूची तैयार है। केवल केवल सीईसी की बैठक में उसमें औपचारिक घोषणा होनी बाकी है।